आपके पास ओप्पो K12 एक्स है, K12 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आप जाएंगे डायलर पे, डायलर पे जाने के बाद 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, इसको नेवर रहने देंगे ताकि कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट ना हो, और यहाँ से आप डिलीट नाउ कर सकते हैं। इसे ऑन करते हैं तो यहाँ से अननोन नंबर रिकॉर्ड होते हैं जो कि आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं किए हैं वो। और सेकंड ऑप्शन ये होता है, जब इसे ऑन कर देते हैं, चूज़ कॉन्टैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप चाहो तो इस पर्सन को कभी भी कॉल लगाओ तो कॉल रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। ऐसे करके आप ऐड ऑन कर लेंगे, इसके बाद बैक कर लेंगे, तो ये पर्सन कभी भी कॉल करेंगे कॉल रिकॉर्ड होगा, और अननोन नंबर तो हमने ऑन कर ही दिया है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चीज़ ऑन कर देंगे, इससे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की जो अनाउंसमेंट है ना, योर कॉल हैज़ बिन रिकॉर्डेड, इस टाइप की वो चीज़ नहीं होगी। बैक कर लेंगे, अब यहाँ पे नंबर आप डायल करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायल करती हूँ नंबर, माइक एक्सेस ऑन करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने माइक एक्सेस बंद किया हुआ है प्राइवेसी के लिए, तो पहले मैं माइक एक्सेस ऑन कर देती हूँ। यह ऑन कर दिया, अब यहाँ पे हम डायल करेंगे तो देख सकते हैं नंबर डायल हो गया अपना, और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको टर्न ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट करेंगे ऑन हो जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं साउंड नहीं आ रहा है, जो ऑप्शन आता था योर कॉल हैज़ बिन रिकॉर्डेड इस टाइप का, रिकॉर्डिंग होगी तो रेड डॉट आएगा, नहीं होगी तो ये नहीं आएगा, कट कर देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इस पे क्लिक करके यहाँ से प्ले करके सुन लेंगे, दोनों साइड की कॉल रिकॉर्डिंग इजीली हो चुकी है। बाकी आप यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को अपने फाइल मैनेजर या कहीं पे भी सेव कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे सेव, सेव हो गई फाइल आपकी, तो आप फाइल मैनेजर पे जाके कभी भी फाइल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऑडियो, ये रहा रिकॉर्डिंग, इसको सुन लेंगे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके, जस्ट वन, ठीक है, ये सेव हो गया आपकी फाइल में। ऐसे करके कॉल रिकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अब कॉल रिकॉर्डिंग को टर्न ऑफ करना है तो इसके लिए आप वापस से जाएंगे सेटिंग पे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा कॉल रिकॉर्डिंग, अगर अननोन नंबर बंद करना है तो यहाँ से, अगर कोई स्पेशल नंबर हटाना है तो यहाँ से कट कर देंगे मैनुअली, वरना इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो किसी की भी कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।